हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तंदूरी रोटी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम समय में रेडी हो जाती है। तो आइए बनाते हैं तंदूरी रोटी। सबसे पहले हम इसका आटा रेडी करेंगे। आटा रेडी करते समय आटे में नमक डाल दें और इसके बाद आटे को गूंथ लें। अब हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा हमने रोटी के साइज से थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि तंदूरी रोटी थोड़ी सी मोटी ही अच्छी लगती है। ये देखिए, पेड़ा मैंने बना लिया है। अब हम इसे सूखे आटे में लपेट लेंगे। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। पूड़ी के साइज का थोड़ा सा मोटा इसे बेल लें। अब हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दें। जैसे ही कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद हम इस पर रोटी लगाएंगे। रोटी के पीछे हमने पानी का यूज़ नहीं किया है। यह ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती हैं। 10 से 12 मिनट में आप देखेंगे आपने बहुत सारी रोटी बना ली हैं, क्योंकि 3 से 4 रोटी हम इकट्ठी बना सकते हैं। अगर आपके पास छोटी कढ़ाई है तो आप 2 बना सकते हैं। ये मेरे पास बड़ी कढ़ाई है, इसीलिए मैंने 3 बनाई हैं। ये देखिए, रोटियां हमारी फूलनी शुरू हो गई हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे सेक लेंगे। एक साइड से सिकने के बाद हम एक एक रोटी को लेंगे और इस तरह से गैस पर सेकते जाएंगे। जब भी आपके घर माँ छोले की दाल, मखनी दाल बनी है और आपका तंदूरी रोटी खाने का मन कर रहा है, तो आप इस स्टाइल से फटाफट नॉर्मल आटे से ही इसको बना सकते हैं। हमने इसमें मैदे का यूज़ नहीं किया है, आटे का यूज़ किया है। यह हेल्दी भी है। इस तरह से हम सेक लेंगे। अब हम दूसरी रोटी को भी सेक लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी फूली फूली रोटियां बनकर हमारी रेडी हुई हैं। इसी तरह हम सारी रोटियों को सेक लेंगे। अब हम देसी घी या बटर लगाकर इसे माँ छोले की दाल के साथ, मखनी दाल के साथ, पनीर के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस रोटियों को एक बार जरूर बनाएं। आपको भी बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही कम समय में यह रेडी हो जाती है। हाँ तो फ्रेंड्स, तंदूरी रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।